देवता लोग तुरंत, हाँ तुरंत, हाँ भगवान के पास आकर प्रार्थना करने लगे अपने अपराध का माफी मांगते हुए। जब देवता लोग नहीं गए बचाने के लिए, तो भगवान दिखा रहे मेरा शरणागत है और उसको कोई बचा नहीं रहा है, तो भगवान बहुत जल्दी में आ रहे हैं। उसके बारे में भागवत में वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर। अगला वर्स 32, अंत सरस्य उरुबलेना गृहीता गृहीतार्तो दृष्ट्वा गुरु तमति दिष्टा गुरु तमति हरि खा उपत्य कर्म खा उपत्य चक्रम उत्क्षिप्या उत्सिक्या संभूजकरम संभूजकरम गिरिमहा कृच्छ्रन कृच्छ्रन नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। बहुत फेमस वर्स है। गजेंद्र हैड बीन फोर्सफुली कैप्चर्ड बाय द क्रोकोडाइल इन द वाटर एंड वाज फीलिंग एक्यूट पेन, बट व्हेन ही सॉ दैट नारायण विल्डिंग हिज डिस्क was coming in the sky on the back of Garuda, he immediately took a lotus flower in his trunk and with the great difficulty due to his painful condition, he uttered the following words, Oh my Lord Narayan, Master of the Universe, the Supreme Personal Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. Narayanam Akhila Guru, नारायणम अखिल गुरु भगवान नमस्ते, ये मंत्र उन्होंने बोला था। नारायणम अखिल गुरु भगवान नमस्ते। तो द किंग ऑफ द एलिफेंट वॉज वेरी ईगर टू सी द सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड दैट व्हेन He saw the Lord coming in the sky with a great pain and in the feeble voice offered respect to the Lord. A devotee does not consider a dangerous position to be dangerous. For in such a dangerous position, he can fervently pray to the Lord with great expression. Thus the devotee regards danger as a good opportunity. A devotee regards danger as a good opportunity. Tatya anukampartham susumikshamana. When a devotee is in great danger, he sees the danger to be a great mercy of the Lord because it is an opportunity to think the Lord very sincerely with undiverted attention. Tatya anukampartham susumikshamana. He does not accuse the Supreme Personality of Godhead for having let his devotee fall into the such dangerous condition. Rather, he considers the dangerous condition to be due to his past misdeed and takes it as an opportunity to pray to the Lord and offer thanks by giving such an opportunity. When a devotee lives in this way, his salvation, his going back to Godhead is guaranteed. We can see this be true from the example of Gajendra, who anxiously prayed to the Lord, thus received the immediate chance to return back home back to Godhead. महत्वपूर्ण भाषा।
तो गजेंद्र जब इस प्रकार मगरमच्छ के द्वारा फोर्सफुली पकड़े गए और बहुत समय तक बहुत साल तक संघर्ष करने के बाद भी वो उससे मुक्त नहीं हो पा रहे थे और उनकी शक्ति क्षीण होते गया जा रहा था, उस कठिन परिस्थिति में मृत्यु के सम्मुखीन होकर शक्तिहीन होकर बहुत कष्ट से पीड़ित होकर जब गजेंद्र अपना प्रार्थना निवेदन कर रहे थे तब भगवान स्वयं प्रकट हुए। और जब भगवान स्वयं प्रकट हुए तब गजेंद्र भगवान को गरुड़ के पीठ में स्थित पर सवार होकर दर्शन करके वो तुरंत क्या किए, तुरंत उस सरोवर में जो उधर जो लेक था उस सरोवर में उस सुंदर सरोवर में जो कमल खिल रहा था उस कमल को तुरंत अपने शूर से उठाकर, क्या कहते सूर बोलते हैं, सूर से उठाकर उन्होंने भगवान को अर्पण किया। तो भगवान को तुरंत अर्पण किया और बहुत कष्ट से, हालांकि उनको बहुत पीड़ा हो रही थी और वो बहुत कष्ट से उन्होंने ये मंत्र उच्चारण किया, नारायणम अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हालांकि बहुत कष्ट हो रहा था लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना निवेदन किया, भगवान का नाम उच्चारण किया। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक भक्तों के जीवन में जब कठिनाई आती है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं, तो भक्त नहीं सोचते हैं कि भगवान ने क्यों हमें इस कठिन परिस्थिति में डाल दिया। भक्त सोचते हैं कि ये जो कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हुआ है ये मेरे पूर्व जीवन के कर्म फल के कारण हुआ, या मैं भगवान की भक्ति सीरियसली नहीं कर रहा हूं इसलिए मेरे जीवन में कठिन परिस्थितियां तैयार किया, क्योंकि मैं सिंसियरली सब चीज को नहीं कर रहा हूँ, केयरफुली सब कुछ नहीं कर रहा हूं इसलिए ये कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हुई, या मेरे पिछले जीवन के कुछ कर्म फल हैं उसके कारण मेरे जीवन में इस परिस्थिति का उदय हुआ है। असल में मैं और ज्यादा दुख भुगतने वाला था लेकिन भगवान ने इसको कम करके दिया है। इस प्रकार एक भक्त, एक सही भक्त जो है इस प्रकार विचार करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उस कठिन परिस्थिति में भी वो भगवान की आश्रय को नहीं छोड़ते, भगवान के प्रति शरणागति को नहीं छोड़ते। तो और तब क्या होता है, तब क्या होता है, वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। श्रीमद् एक बहुत फेमस श्लोक है 10.14.8, तत्ते अनुकंपार्थम सुसुमेक शमाना भुंजाने बात्मकृताम विपाकम रिद्वा बपुभीर विदधाम नमस्ते, रिद्वा बपुभीर विदधाम नमस्ते। जो मुक्ति पदेश दाय भाग, तो इस श्लोक में बताया गया है तत्ते अनुकंपार्थम सुसुमिक्ष मानव भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। तो जब भक्त लोग अपने जीवन में कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो उस कठिन परिस्थिति को भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप, अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप या अपने कर्म के फल स्वरूप के हिसाब से वो
लेते हैं और इस प्रकार अपने कर्म के फल के रूप में स्वीकार करके रिद्धवा बपुभिः हृदय और शरीर से विदोधाम नमस्ते नमस्ते नमस्कार करते भगवान भगवान को धन्यवाद देते हैं कि असल में मैं और ज्यादा दुख भुगतने वाला था, मेरे कर्म के फल मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ मैंने, लेकिन भगवान मेरी सुहृद है, भगवान को पता है मेरा भला कैसे होगा, भगवान को पता है मेरी प्रगति मेरा उद्धार कैसे होगा, भगवान को पता है मैं कैसे इस गलती से बाहर निकल सकता हूँ। इसलिए उन्होंने इस परिस्थिति का तैयार किया। इस परिस्थिति भक्ति में अगर भक्त सिंसियर है, कोई भी परिस्थिति उनके भक्ति के प्रगति का बाधक नहीं है। अगर वो जेन्युइन है तो कोई भी सिचुएशन उसके भक्ति का प्रगति का बाधक नहीं है। तो क्योंकि एक सिंसियर भक्त हर परिस्थिति को भगवान की कृपा के रूप में मानकर भगवान की शरणागत हो जाते हैं, और जब शरणागत होते हैं तो उस ऑकवर्ड पोजीशन भी उनके भक्ति के प्रगति का कारण बन जाता है। उनके सारे जो कर्म फल जो होता है, जो उनके पिछले जीवन के कर्म के फल स्वरूप जो उत्पन्न हुआ है वो उसको खत्म हो जाता है, और वो पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण करने के कारण भगवान के धाम में वापस जाने की लायक बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार गजेंद्र भी सोच रहे थे मेरे पिछले जीवन के कर्म के फल के कारण हमें मैं हम मगरमच्छ के मुंह में फंस गया, अभी भगवान ही हमें रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा भगवान के सुरक्षा प्रार्थना कर रहे थे, भगवान को प्रणाम कर रहे थे। तो और फिर क्या हुआ, जब भगवान को प्रणाम कर रहे थे तो भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए उनसे आदान प्रदान करने के लिए, और फिर भगवान उनको बुद्धि प्रदान किए। अनन्नस चिंतयन्तो माम ये जना पुरुपाशते तेषामेव अनुकम्पार्थम अहम् अज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भासताम। तो और एक श्लोक है इधर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी शरण लेते हैं, मैं उनको ददामि बुद्धि योगम तम जेनमाओं को जानते हैं, मैं उनको बुद्धि प्रदान करता। तो गजेंद्र जब भगवान की शरणागत हुए, भगवान प्रकट हुए, उनको बुद्धि प्रदान किए कि तालाब से कमल है उसको लेके आप मेरे को अर्पण करो। देखिए इसके पहले भी वो हाथी कुमी के साथ लड़ाई कर रहा था और उनके सामने कमल खिला हुआ था, लेकिन उन्होंने ऑफर नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने संपूर्ण रूप शरणागत हुए, भगवान उनको बुद्धि प्रदान किए और उन्होंने कमल सरोवर से कमल उठाकर भगवान को अर्पण किया। तो इस प्रकार जब हम लोग जेन्युइनली सिंसियरली भगवान की शरणागत होते हैं तो भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं उनकी सही तरीके से उनकी शरण देने के लिए। तो जब एक भक्त कठिन परिस्थिति में भी या ऑकवर्ड पोजीशन में भी, डिफिकल्ट पोजीशन में भी, डेंजरस कंडीशन में भी भगवान की शरण लेते हैं, भगवान के पास आत्मसमर्पण करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तब क्या होता है, भगवान के धाम जाना उनका निश्चित हो जाता है। When a devotee lives in this way, his salvation, his going back to Godhead, going back home, back to Godhead is guaranteed. We can see in the in in
we can see to be true from the example of Gajendra, who anxiously pray to the Lord and thus receive the ultimate chance to return back home back to Godhead. तो इससे डिफिकल्ट सिचुएशन भी हम लोगों के लिए अमंगलकारी नहीं है. बहुत हम डिफिकल्ट सिचुएशन में डर जाते हैं, अभी क्या होगा, भगवान ने हमारा रक्षा नहीं किया, क्या हुआ इतना दिन भक्ति में आने के बाद भी. हम लोग सोचते कि नहीं, भक्ति करेंगे सब कुछ एकदम अच्छा होगा तभी भगवान ने कृपा किया. नहीं, हम लोग देखते इस्कॉन के कुछ गुरु महाराज लोग फिजिकली कितना कठिन परिस्थिति उनको सामना करना पड़ा, या अलग अलग भक्तों के जीवन में अलग अलग कठिन परिस्थिति आ जाते हैं. अभी उस कठिन परिस्थिति में हमारा परीक्षा है कितना हम लोग भगवान की शरणागत है, कितना हम भगवान की शरणागत है. लेकिन उस परिस्थिति में अगर हम लोग भगवान की शरणागत रहते हैं, जो हमारा जीवन में जो दुख है, हमारा कर्म फल के कारण है, इसको एक्सेप्ट करके भगवान की सरेंडर हो जाते हैं, तो फिर हम लोग भगवान के धाम में जाने का योग्य कैंडिडेट बन जाते हैं. सुख में भी सरेंडर, दुख में भी सरेंडर. तो सुख में अच्छे परिस्थिति में सरेंडर करना सरेंडर का 50% है, लेकिन रियल सरेंडर चेक होगा जब कठिन परिस्थिति आएगी. तो भौतिक जगत द्वंद में भरा हुआ है, सुख दुख मान अपमान जय पराजय लाभ नुकसान ज्वार भाटा के जैसा परिवर्तनशील है. और हम लोगों का भी कर्म का फल है, तो इसलिए इस भौतिक जगत में जब तक है हमेशा कुछ ना कुछ परिस्थिति ऊंचा नीचा अच्छा बुरा रहेगा. लेकिन इस परिस्थिति में अगर हम लोग भगवान के शरण लेके रहते हैं, भगवान को पकड़ के रहते हैं, भक्ति के सिद्धांतों को बना के रखते हैं हमारे जीवन में, अभी हेल्थ इश्यू हो सकता है, फैमिली इश्यू हो सकता है, ऑफिस प्रॉब्लम हो सकता है, इंद्रियों का अलग अलग बेग हमें तन कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग भगवान के चरणों में दृढ़ता के साथ बने रहते, गुरु के आदेश के प्रति 16 माला 4 नियम साधु संग दृढ़ता के साथ बने रहते हैं, और इस दुख या समस्या को हमारे कर्म फल के हिसाब से स्वीकार करके भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, तब हम लोग भगवान धाम जाने के योग्य होंगे. समझ में आ रहा है? तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे थे हैं कि भगवान हमें 2 बार परीक्षा दिया. एक बार अमेरिका जाने से पहले उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया था, और फिर बोलते कि भगवान जिनको विशेष कृपा करते हैं उनके सब कुछ हर लेते हैं, कि उनको दूसरा कोई सहारा नहीं रहता है भगवान के चरणों में समर्पित होने के अलावा. तो भगवान हमें परीक्षा किया था, और भगवान की कृपा से, गुरु के कृपा से मैंने भगवान की शरण लिया था. मैं इस पाश्चात्य देश में आया था, भगवान चाहते थे मैं पाश्चात्य देश में आऊं, और उसके कारण इस कृष्ण भावनामृत संघ का शुरुआत हुआ.
और फिर मैं जब कृष्ण भावना का शुरुआत किया तो भगवान ने हमें बहुत कुछ प्रदान किया, धन, अनुजाई, संपद, और फिर भगवान ने मेरे दूसरी बार परीक्षा किया, ये सारे सफलता ऐश्वर्य प्रदान करते, मैं क्या करता हूं उससे देखना चाहता, और ये भी भगवान की कृपा से मैंने उनके जितने भी भगवान के दान हैं मैंने उनकी सेवा में, तो इस प्रकार हमें भगवान की शरण लेना चाहिए, और शरण लेना तभी संभव होगा जब हमारा रेगुलर साधना अच्छा रहेगा, कठिन परिस्थिति में भी हम लोग भगवान की शरण ले पाएंगे अगर हमारा रेगुलर साधना अच्छा रहेगा, और अगर हम लोग एक शुद्ध भक्तों के आश्रय में रहेंगे, शुद्ध भक्तों के अगर आश्रय में रहेंगे तब क्या होगा, हम लोग उनकी गाइडेंस के द्वारा, उनके उदाहरण के द्वारा हम लोग कठिन परिस्थिति में भी भगवान के आश्रय नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमने सोचा अरे इतना कष्ट करके क्या फायदा है, इतना भी शरण लेने का क्या जरूरत है। तो शुद्ध भक्तों की आश्रय चाहिए, उनके कृपा से हम लोग इस कठिन परिस्थिति में भी भगवान की शरण ले पाएंगे। कठिन परिस्थिति में भगवान की शरण लेना कनिष्ठ भक्त नहीं कर पाएगा, कठिन भक्त छोड़ के चला जाएगा, कनिष्ठ भक्त या भगवान को ब्लेम करेगा। तो इसलिए भक्ति में प्रगति करने के लिए या कठिन परिस्थिति में भक्ति में बने रहने के लिए प्रगतिशील भक्तों की आश्रय चाहिए। इंटेलेक्चुअली पॉसिबल नहीं है, ज्ञान से नहीं कर पाएंगे, भक्ति में प्रगति करना पड़ेगा। 33 तम भिक्षया विदितम अज सहाश सहसावतीर्या सहसावतीर्या संग्राहमासु सरसा कृपया जहारा कृपया जहारा ग्राहाद विपाति ग्राहाद ग्रहाद विपतिता ग्रहाद विपतिता मुखाद अरीना गजेंद्रा संपश्यतां हरिर् अमुम् उचत् उच्छिरायन्। देयर आफ्टर सीइंग गजेंद्रा इन सच एन एग्रीव्ड पोजिशन द अनबॉर्न सुप्रीम लॉर्ड हरि इमीडिएटली गॉट डाउन फ्रॉम द बैक ऑफ गरुड़ा बाय हिज कॉजलेस मर्सी एंड पुल्ड the king and pulled the king of the elephant along with the crocodile out of the water then in the presence of all the demigods who were looking on lord savior the crocodile's mouth from its body with his disc in this way he saved gajendra the king of the elephant। तो शास्त्र में वर्णन किया गया है जब भगवान नारायण गरुड़ के पीठ पर सवार होकर जब आ रहे थे, इतनी जल्दी में आ रहे थे, लग रहा है फ्लाइट मिस हो जाएगा, फ्लाइट मिस ट्रेन मिस हो जाएगा, लोग क्या करते हैं हर बारी में जाते हैं। साधारणतः भगवान जब गरुड़ के पीठ पर सवार होते हैं तो भगवान पहले आचमन करते हैं, आसन प्रदान करते हैं, फिर भगवान बैठते हैं। लेकिन आज भगवान कुछ नहीं कर रहे थे, नो फॉर्मेलिटी, तुरंत कोई लगेज फगेज नहीं लिया, तुरंत बैठ गए। और जब गरुड़ के पीठ पर आ रहे थे, गरुड़ का बहुत स्पीड है, वायु से भी ज्यादा स्पीड है गरुड़ का,
लेकिन भगवान को ऐसा लग रहा था, भगवान ऐसे मूड में कि गरुड़ क्यों इतना स्लो जा रहे हैं, भगवान इस लग गरुड़ के आगे चले जा रहे थे इतना क्यों, क्योंकि उनके भक्त जो हैं उनसे बहुत आतुरता के साथ प्रार्थना कर रहे थे। तो जब हम हृदय से तीव्रता से भगवान को पुकारते तो भगवान उस प्रार्थना से प्रकट हो जाते, खींचे जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के प्रार्थना से, प्रहलाद महाराज के भक्ति से भगवान प्रकट हो गए। तो जब हम लोग हमारे जीवन में भक्ति करते हैं, डेली हम लोग जप करते हैं, उतना ही तीव्रता से भगवान के आश्रय लेना चाहिए। तभी हम लोग कठिन परिस्थिति में भगवान से फुल अटेंशन के साथ भगवान की आश्रय ले पाएंगे, नहीं तो भगवान की आश्रय नहीं लेके हम अपने आप को बचाने की प्रयास करेंगे। तो भगवान जब गजेंद्र के पीठ पर सवार, गरुड़ की पीठ पर सवार होके आ रहे थे, तो भगवान इतने जल्दी से आ रहे थे कि भगवान की उत्तरी उड़ के चला गया, इतने जल्दी में आ रहे थे। तो इससे भगवान के भक्त बात्सल्य प्रमाण होता है, उनके भक्तों के प्रति उनके जो बात्सल्य है उसका निदर्शन है। तो इस प्रकार भगवान गरुड़ पर पीठ पर सवार होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने अपने करुणा के द्वारा पुल द किंग ऑफ द एलिफेंट अलोंग विद द क्रोकोडाइल आउट ऑफ द वाटर, दोनों हाथी और मगरमच्छ को पानी से बाहर निकाल दिया। और फिर क्या किया, सारे देवताओं के सामने अपने चक्र से मगरमच्छ के मुंह को उसके धर से अलग कर दिया और इस प्रकार उन्होंने हाथी के राजा गजेंद्र को रक्षा किया। तो तो इस प्रकार भगवान मन्वंतर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे और गजेंद्र को रक्षा किए थे। लास्ट वर्स श्री शुक वाचा 8.4.1 तदा देव ऋषि गंधर्वा धर्मो सेना पुरोगमा मुमुच्चु कुसुमं कुसुमाशरम मुमुच्चु कुसुमाशरम सा समंता परम तत्हरे। सुखदेव गोस्वामी सेड व्हेन द लॉर्ड डिलीवर्ड गजेंद्र द किंग ऑफ द एलिफेंट द डेमिगॉड्स sages, Gandharvas, headed by Brahma and Shiva, praise this activity of the Supreme Personal Godhead and shower flower upon the Lord and Gajendra. ये demigod का कार्य होता है। तो आके भगवान को स्वागत किया, सभी देवता लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, सभी देवता लोग आकर भगवान की स्तुति किया, भगवान की प्रशंसा किया और भगवान और गजेंद्र दोनों को। We find the evidence in many places that the curse of the great saint or the devotee is not curse but the benediction. तो इधर इंद्रदुम्न राजा is in his birth as an elephant attained the salvation and become the personal associates of the Lord in Vaikuntha and the crocodile regained his status as Gandharva. जब भगवान ने डिलीवर किया तो गजेंद्र भगवत धाम चला गया और वो जो ऋषि जो उनको श्राप दिया था उनको गंधर्व शरीर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार गजेंद्र को जो श्राप मिला था उस ऋषि के द्वारा, वो श्राप नहीं था, वो
वरदान था जिसके कारण वो भगवान के धाम प्राप्त हो गया। हरि वो ने दूर दुंधु भयो दिव्या गंधर्वा नानूर तूर जगु रश्यास ऋषयो ऋषया चरणा सिद्ध्या तुष्टुभु पुरुषोत्तमम। देयर वाज ए बीटिंग ऑफ द कटल राम in the heavenly planet and inhabitants of Gandharva began to dance and sing while great sages and the inhabitants of Charana Loka, Siddha Loka offer prayers to the Supreme Personality of Godhead. जब सिद्ध लोक चरण लोक चरण लोक के सब लोग प्रार्थना कर रहे थे भगवान को, तब गंधर्व लोग भगवान को स्वागत करने के लिए नृत्य करने लगे। तो हर दिन हम लोग वॉइस में भगवान के सामने नृत्य करते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं और भगवान के सामने नृत्य करते हैं। तो देवता लोग जब भगवान को प्रकट होते ऑकेशनली आते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग डेली भगवान के सामने नाच रहे हैं। हरी बोल। तो इसलिए वॉयस में रहने वाले डिवोटी का भाग्य देवता से भी ऊंचा है। हरी बोल। लेकिन बहुत बार हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। जो लोग कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में हैं, उनके सौभाग्य चैतन्य महाप्रभु कृपा से श्री प्रभुपाद की कृपा से देवता से भी ऊंचा है। हर दिन भगवान के सामने आते हैं और इसलिए वो लोग देवता से भी ज्यादा प्रिय हैं भगवान की। भक्त लोग शुद्ध भक्त हैं, देवता से भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए जो भक्ति करने की सौभाग्य घर में हो या वॉयस में हो, ये देवता के देवता बनने से भी ज्यादा सौभाग्य का सौभाग्यशाली। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। डेली हम लोग जो भगवान को प्रैक्टिस भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं, हमें इसको समझना पड़ेगा कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। देवता लोग भी भारतवर्ष के अधिवासियों की गुणगान प्रशंसा स्तुति करते कितने भाग्यशाली हैं। तो लोग भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं और हम लोग इस स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य में रहने के कारण भगवान को भूल जाते हैं। एंड देयरफॉर वी शुड बी वेरी वेरी सिंसियर टू डेवलप लव फॉर कृष्णा, नॉट जस्ट हैविंग मोर मनी मोर प्रॉपर्टी मोर मैटेरियल हैप्पीनेस, केवल उसके प्रति दूसरे के साथ कंपटीशन ज्यादा, उसके पास भी ज्यादा है मैं भी ज्यादा जुगाड़ करता हूँ, इसके पीछे नहीं भागकर हमें जितना जरूरत है उसमें संतुष्ट रहकर हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए और भगवान की सेवा करने के लिए प्रयास करना चाहिए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में। और यही यही हमारे महानता होगा, यही हमारे सौभाग्य होगा कि भगवान की सेवा करने की अगर सौभाग्य प्राप्त होता है। देवता लोग भी वो प्रार्थना करते हैं। द बेस्ट ऑफ द गंधर्व द किंग हु हैविंग बीन कर्स बाय देवला मुनि हैड बिकम ए क्रोकोडाइल। Now, having been delivered by the Supreme Personality of Godhead, he assumed a beautiful form of Gandharvas, understanding by whose mercy he had been, this had happened, he immediately offered his respectful obeisances with his head and began to chanting the prayers just suitable for the Supreme Lord, the Supreme Eternal, who is worshipable by the choicest verses. The story how the Gandharva had become a crocodile will be described later. The curse by which the Gandharva took this position was actually blessings, not a curse. One should not be displeased when the saintly person cursed someone, for this curse indirectly is a blessing. The Gandharva had the
at the mentality of the inhabitants of the celestial planet system, and for him to become an associate of the Supreme Lord would have taken millions and long years. However, because he was cursed by the Devala Rishi, he became the crocodile. Devala Rishi, he became crocodile. In only one life, was fortunate enough to see the Supreme Personality of Godhead face to face and promoted to the spiritual world to become one of the associates of the Lord. Similarly, Gajendra was also delivered by the Supreme Personality of Godhead when he was freed from the curse of Agastya Muni. तो ये जो इंद्रदुम्न महाराज अगस्त्य मुनि के द्वारा शाप प्राप्त हुए थे उसके हाथी बने थे और ये जो फुहू था फुहू देवल ऋषि के द्वारा शाप प्राप्त हुए क्रोकोडाइल बने थे दोनों अगर वो देवता के शरीर में रह के भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो उनको करोड़ों जीवन लग जाता लेकिन अभिशाप के कारण एक जीवन में भगत धाम चला गया तो इसलिए साधुओं को जो अभिशाप होता है वो भी मंगलकारी होता है तो इसलिए साधु संत लोग अगर अभिशाप दे देते हैं तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए साधुओं के अभिशाप ही आशीर्वाद है इसलिए हमें उसको उससे क्षमा याचना करना चाहिए या उनसे कुछ शरणागत होना चाहिए और उनकी कृपा समर्पित होना चाहिए ठीक है तो आज हम लोग इधर विराम देते हैं तो अगला क्लास अगले संडे वॉइस में प्रोग्राम अगले सैटरडे गीता जयंती है गीता जयंती के दिन वॉइस में श्री श्रीमद भक्ति प्रचार परिव्राजक स्वामी महाराज आ रहे हैं तो इस प्रोग्राम को हम लोग केवल यूथ लोगों के लिए रख रहे हैं तो एक यूथ फेस्टिवल होगा और संडे दोपहर को 12 से लेकर 2 बजे प्रोग्राम होगा